जय श्री गणेश। अब मैं आपको चैत्र मास की पापमोचनी एकादशी की के बारे में बता रहा हूं। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान कृष्ण ने बताया, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मांधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने कहा हुआ था। मांधाता ने कहा, भगवान मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब बताइए। तो लोमस जी ने कहा, नृप्रशिष्ठ, पूर्व काल की बात है, अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नाम के वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजी बजाती हुई विहार करती थी, मंजुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेघावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजुघोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूरी ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनिश्रेष्ठ मेघावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस नंदी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। उनकी ऐसी अवस्था देख मंजुघोषा उनके समीप आई और बीड़ा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेघावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का विभान न रहा। इस प्रकार मुनिजनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजुघोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेघावी से कहा, ब्राह्मण आप मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। इस मेघावी बोले, देवी जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी ने कहा, राजन अप्सरा की बात सुनकर मेघावी के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापनी तू पिशाची हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। सात वाक्य बोलने या सात पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए, अतः स्वामिन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे मेरी बात सुनो, यह साप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पापमोचनी, वह सब प्रकार का क्षय करने वाली है। हे सुंदरी उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर मेघावी अपने पिता मुनिवर चमन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख चमन ने पूछा, बेटा यह क्या किया, तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेघावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है, कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। चमन ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पापमोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राश का विनाश हो जाएगा। पिता का यह वचन सुनकर मेघावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजुघोष ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन जो श्रेष्ठ मनुष्य पापमोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्महत्या, स्वर्ण की चोरी, शुरापान और गुरुपत्नी गमन करने वाले महापाद की भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है, अब मेरे सामने यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी आदि होती है। यह पापमोचनी एकादशी का के बारे में हमने बताया और निवेदन है कि पापमोचनी एकादशी का व्रत भगवान नाम संकीर्तन करते हुए इस व्रत को आप जरूर रहें।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम।